स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग सर्दियों में डैंड्रफ की समस्या से परेशान रहते हैं। इससे स्कैल्प में सफेद रंग की पपड़ी जमने लगती है। डैंड्रफ के कारण सिर में खुजली भी होने लगती है और ज्यादा खुजली करने से सिर में घाव भी बन जाते हैं। साथ ही बालों की जड़ें भी कमजोर होती हैं, जिससे आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं और कई बार तो ये डैंड्रफ झड़ के आपके कपड़ों पर भी आ जाता है, जिससे आपको लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है। पर दोस्तों, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप अपने डैंड्रफ से छुटकारा पा सकते हैं। डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप नियमित रूप से बालों में कंघी करें। इससे बालों की जड़ों से ज्यादा तेल निकलता है। इसके अलावा बालों में कंघी करने से बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। डैंड्रफ होने पर अच्छी क्वालिटी के शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। ऐसे हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जिसमें जिंक पाइरिथियन मौजूद होता है। ये डैंड्रफ को दूर करने में कारगर साबित होता है। एलोवेरा के रस से बालों की मसाज करनी चाहिए और एक घंटे बाद ठंडे पानी से सर धोना चाहिए। ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या जल्द ही दूर होने में मदद मिलती है। नारियल के तेल में कपूर मिलाकर रख लीजिए, फिर नहाने से आधे घंटे पहले इससे बालों की मसाज करें। नियमित रूप से ऐसा करने से डैंड्रफ की समस्या दूर हो सकती है। डैंड्रफ होने पर अपने बालों को रोजाना अच्छी क्वालिटी के एंटी डैंड्रफ शैम्पू से धोएं। इससे डैंड्रफ की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। एक ग्लास पानी में 4 बड़े चम्मच बेसन मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इसे बालों में लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बालों को गुनगुने पानी से धो लें। डैंड्रफ भगाने के लिए इस उपाय से आसान और कारगर और कोई उपाय नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप भी सर्दियों में अपने डैंड्रफ से छुट्टी पाना चाहते हैं, तो हमारे बताए हुए इन नुस्खों को जरूर अपना कर देखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।